तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 से आपके पास फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है हीट। साथ में हम एनर्जी भी डिस्कस करेंगे, बट जो भी मेरे पास बुक है उसमें दो अलग अलग चैप्टर बनाकर गिवन है, हीट अलग है और एनर्जी अलग है। तो हीट को हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम एनर्जी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक रहेगा हीट और दूसरा रहेगा आपके पास टेम्परेचर। जनरली जब हम किसी स्टूडेंट से या फिर किसी भी पर्सन से पूछते हैं कि आप बताइए भाई हीट क्या है, तो वो कहते हैं गर्म है, कहते हैं टेम्परेचर क्या है वो भी गर्म है ना, या फिर ठंडा, ऐसे कुछ कहते हैं आपको। कई कई को अलग अलग होते हैं और कईयों के माइंड में तो ऐसा आता है हीट सॉरी टेम्परेचर का नाम सुनते ही पारा हाई हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, मतलब गर्म वाली चीज़ के बारे में वो कहना शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअल में आज आपको सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिफरेंस पता चलने वाला है। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। हीट को डिस्कस करने से पहले मैं टेम्परेचर को डिस्कस करना चाहूँगा एक बार। जैसे ही हम टेम्परेचर को डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद आपको हीट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहले टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना। तो टेम्परेचर आपके पास जो सिंपल है वो मेजर है, मेजर करते हैं किसको, मेजर करते हैं डिग्री ऑफ, यहाँ पे इससे हम क्या करते हैं मेजर्स ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब ये हॉटनेस या कोल्डनेस क्या कहानी है, मेजर्स क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है, पढ़ाई वाली डिग्री की हम यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिग्री बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, डिग्री जितना ज़्यादा उस चीज़ की उसकी जो क्वांटिटी है उतनी ही ज़्यादा, ऐसे कुछ यहाँ पे आपको समझने को देखने को मिलेगा। आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में किया हुआ है कि डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर होता है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम डिग्री का यूज़ करेंगे डिफाइन करने के लिए हॉटनेस को और कोल्डनेस को। समझ में आ जाते हैं इन बात, तो अलग अलग कम भी ज़्यादा भी हो सकते हैं डिग्री में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हमेशा वो हाई को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो हॉटनेस और कोल्डनेस की क्या कहानी उस चीज़ को समझते हैं। देखिए टेम्परेचर का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि कोई चीज़ गर्म है या फिर ज़्यादा टेम्परेचर है। यहाँ पे टेम्परेचर जो करता है वो मेजर करता है कि कोई भी चीज़ कितना गर्म है, साथ ही कोई चीज़ कितना ज़्यादा ठंडा है। इसका कहने का मतलब ये है कि यह हॉटनेस से साथ साथ में आपके पास कोल्डनेस है, ये दोनों से ही आपके पास क्या है रिलेटेड है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। अब हॉटनेस और कोल्डनेस, जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाता है। सो दिस इज़ योर 45 डिग्री सेल्सियस इज योर टेम्परेचर। हम यहाँ पे अभी आसपास अभी जो हमारे यहाँ पे टाइम चल रहा है गुड़गांव की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे अभी लगभग 7 से 10 के आसपास 15 के आसपास डिग्री सेल्सियस में ये आपके पास टेम्परेचर रह रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा भी कह रहे हैं भैया ठंड पड़ गई है, अभी नया साल आया भी नहीं है तो 4 दिन अभी बाकी हैं और ठंड पड़ चुकी है बहुत ठीक ठाक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल हम आपको ये समझा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हॉटनेस और बहुत ज़्यादा कोल्डनेस की कहानी समझा रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को जब हम मेजर करते हैं तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, कि आज का टेम्परेचर इतना है। समझ में आती है ना बात। तो बेसिकली टेम्परेचर का क्या मतलब हो गया, टेम्परेचर का मतलब हो गया कि कितना ज़्यादा गर्म है या फिर कितना ज़्यादा ठंडा है। समझ में आती है बात, ठीक है। और आजकल आपको पता ही है टेम्परेचर का कितना ज़्यादा यूज़ है, हर एक फील्ड में आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, साथ में हीट के बारे में भी आपको डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लाइक मैं जैसे मैं अभी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, बहुत देर तक यूज़ करता रहूँगा वहाँ से आपके पास हीट एनर्जी रिलीज होगी। मैं अभी बोल रहा हूँ, जी हाँ मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी का टेम्परेचर लेट से अभी 12 डिग्री सेल्सियस है एग्जांपल के तौर पे, लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आगे पीछे इधर उधर हो के मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, अब इसके थोड़ी देर के बाद ही क्या आएगा मेरे बॉडी में गर्मी, बोले तो हीट प्रोड्यूस होगा। जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो अब जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस था वो हो सकता है 13 डिग्री सेल्सियस 13 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो आ जाता है। फिलहाल हम ये बात करेंगे कि कॉज ऑफ टेम्परेचर जो आ रहा है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर क्यों आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर जो हमारे बॉडी में आया, अभी मैंने जो बोला 12 से 13 हो गया जब मैं इधर उधर मूवमेंट करके आ रहा हूँ, तो वो क्यों हो रहा है, तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास समझने पड़ेगा आप लोगों को पहले काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के अंदर, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी पूरे यूनिवर्स में, हालांकि अभी
अगला वाला जो पार्ट होने वाला आपके पास वो एनर्जी के ऊपर होगा, है ना। अगला वाला जो हीट अभी पढ़ा रहे हैं, हीट जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे एनर्जी पे जम कर जाएंगे, तो एनर्जी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अभी सिंपल सी बात बताता हूँ, एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि ना इसे बनाया जा सकता है ना इसे खत्म किया जा सकता है, बट इसी के आगे की लाइन बता रहा हूँ, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, उसे थर्मल एनर्जी कह देते हैं कई बार। तो अंदर की जितनी भी एनर्जी होती है वो चेंज होते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी में लेट से है, धीरे 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 जैसे हम मोशन में आते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मतलब है आपका जो बॉडी है वो क्या है, मोशन में है। जब भी ये मोशन में आते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, किसमें, आपके पास काइनेटिक एनर्जी में। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से आएगा, हमेशा बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन, है ना, पोजीशन चेंज करेंगे उसकी वजह से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे पीछे इधर उधर हो रहा हूँ, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है। एक सेकेंड में मेरा लैपटॉप भी ऑफ होने वाला है, एक्चुअली एक वीडियो का रेंडरिंग में डाल रखा है मैंने, तो इसको मैं लगा देता हूँ फटाफट सो दैट वो ऑफ ना हो जाए, फिर अभी हम आपको समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए। इसको यहाँ पे कर दिया और इसको हम लगा देते हैं फटाफट यहाँ पे, वरना टाइम थोड़ा सा मेरा लॉस हो जाएगा और कुछ नहीं। तो हो जाए भाई, हाँ प्लग्ड इन हो गया। चलिए ये कहानी हो चुकी है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस वजह से आ रहा है आपके पास, बॉडी के मोशन की वजह से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब काइनेटिक एनर्जी तब होता है जब बॉडी मोशन में होता है। अब काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब जो डायरेक्ट रिलेशन जो बताता है ना वो थर्मल एनर्जी से होता है। अब ये थर्मल एनर्जी क्या है, उस चीज़ को भी थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। थर्मल एनर्जी का मतलब ये है कि आपके बॉडी से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, गर्मी निकल रहा है। आपके बॉडी का भी हीट नहीं पसंद आया तो ऐसा समझ लिया आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप मोशन करते हैं तो आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, आपके पास कोलिजन होता है। कोलिजन ऑफ बेसिकली हमारा जो बॉडी है एटम है, किससे बना हुआ है, आपके पास एटम से बना हुआ। हमारे जो बॉडी है सेल है, किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो एटम के बीच का ना कोलिजन होता है। कोलिजन मतलब आपस में टकराना। कोलिजन का मतलब क्या हो गया, आपके पास आपस में टकराना। और टकराने की वजह से, क्योंकि वो देखिए मोशन में आता है आपस में टकराता है, टकराने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स बोले तो रब होते हैं हमारे बॉडी के हर एक मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से आपके पास वहाँ से हीट के फॉर्म में जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में था वो हीट के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, बेसिकली हीट के फॉर्म में बाहर निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी मेरे पास 12 डिग्री सेल्सियस था मेरे बॉडी का, अभी मैं इधर उधर हो रहा था, हो सकता है 12.01020 हो गया होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अगर मैं ऐसा ही भी आधे घंटे तक बोलता रहूँ तो मेरी बॉडी में भी गर्मी लगने लगेगी और ये मुझे शर्ट खोल के फेंक देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाएगी। अगर मैं कंटिन्यूसली ऐसे जंप करता रहूँ ऐसे या फिर ऐसे आगे पीछे अगर मैं कोई सा लेट्स एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आगे पीछे करके मैं आपको समझा रहा हूँ, तो पता चलेगा यार थोड़ी देर में ही आपके पास क्या हो जाएगा, मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो हीट के बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल हम टेम्परेचर के ही बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब टेम्परेचर में आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी है कि एक्चुअल में होता क्या है। ये सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की कहानी है। और होता क्यों है, क्योंकि मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, खत्म बात और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट जो करेंगे हम टेम्परेचर को, वो अलग अलग यूनिट में मेजर करेंगे, है ना। सबसे पहले ये समझ लीजिए टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपके पास ये एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे, हीट भी स्केलर क्वांटिटी और टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों आपको याद रखने, ठीक है। और ये तो फंडामेंटल में आता है, पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, है ना। चलिए अब इसी के थोड़े से मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम बताएंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए और सारी चीज़ों को नोट साथ साथ में बनाते जाना है भाई, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको ना वो हो सकता है आपके बुक से एक आधे टॉपिक, एक आधी चीज़ नई चीज़ होंगे जो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ होगी, वो एक्स्ट्रा ही होंगे लेकिन कम नहीं होंगे। चीज़ें समझ में आ रही इन बात। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। किसके बात करने जा रहे हैं हम, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की बात जब करेंगे तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरह के यूनिट्स आते हैं। कितने तरह के आते हैं हमारे पास, तीन तरह के यूनिट्स आते हैं।
तो चीजों का समझना है कि किस तरह से कौन कौन से आपके पास तीन तरह से हैं और उनके बीच में रिलेशन क्या है, हम उसकी बात भी करने वाले हैं। यस, हम उसके बीच में रिलेशन क्या है हम वो भी बात करने वाले हैं। तो आइए आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, जो जनरली अभी तक आप लोगों ने सीखा है वो आपके पास डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रही है बात, जो अभी आपको याद है, जो आपने पढ़ा है, जो हद से ज़्यादा पढ़ा है वो आपके पास डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है केल्विन, केल्विन, केल्विन में हम इसको मेजर करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है फारेनहाइट, फारेनहाइट। तो ये चीज़ है आपके पास, ये जी सिर्फ क्या होता है फारेनहाइट की, सिर्फ इतना ही होती है, और इसको डिग्री फारेनहाइट बोलते हैं, बेसिकली डिग्री फारेनहाइट। तो आपके पास ये तीन तरह के यूनिट है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज़ है केल्विन वाली कहानी, उसी को आपके पास ऐसा यूनिट कंसीडर किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा जाता है व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सीधा बोलते हो डिग्री सेल्सियस, गलत। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डिग्री सेल्सियस आपके पास ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट है आपके पास क्या, केल्विन। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के, डन है। चलिए, आपको ये समझ में आ गया केल्विन, इसका नाम पड़ा था लॉर्ड केल्विन के बाद। लॉर्ड केल्विन मेरे हिसाब से 16th-17th century के आसपास के हैं, और उन्होंने हमें टेम्परेचर के बारे में ये चीज़ सारी चीज़ बताई थी, इनके बारे में रिलेशन वगैरह। तो बेसिकली रिलेशन वगैरह क्या है, मतलब केल्विन के बारे में बताया था कि ऐसा यूनिट में रख देंगे टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। तो लॉर्ड केल्विन के बाद इसको केल्विन के नाम से ही टेम्परेचर को ऐसा यूनिट का नाम दे दिया गया। बाकी ये नॉर्मल दो यूनिट्स और है मेजरमेंट करने के लिए, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। अब बात करेंगे हम इनके बीच के रिलेशन की, तो चीज़ों को समझना है। सबसे पहला जो रिलेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए मैं रिलेशन यहाँ पे आपको तीन तरीके समझाने वाला हूँ, इसको लिख लीजिएगा ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है, ठीक है ना। चलिए, पहला मैं जो रिलेशन बताने वाला हूँ वो है आपके पास रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास, आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास होता है जीरो डिग्री सेल्सियस जो होता है आपके पास वो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। फिर से समझिए, आपके पास जो डिग्री सेल्सियस होता है, अगर मैं जीरो डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ तो वो 273.15 के इक्वल होता है। समझिएगा, ये जो 273.15 है जनरली आपके बुक में इग्नोर किया गया, और इसको हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होती है, हम अप्रॉक्स में लेकर चलते हैं, तो इसको हम डेसिमल के बाद ये छोटी क्वांटिटी को इग्नोर करके चलेंगे, और जनरली हम लेकर चलेंगे कि 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी मैं सिर्फ और सिर्फ 273 केल्विन लिख देता हूँ, बाकी आपको याद रखना है 0.15 भी जरूर होता है, नोट्स में लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कल को अगर कभी ऑप्शन में आया तो घबराना नहीं है ना। ओके, तो हमारे पास जीरो डिग्री सेल्सियस जो 273 केल्विन के इक्वल है। अब इसकी बात करते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे ना 1 degree Celsius कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है, 274 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने 2 degree Celsius कर दिया तो कितना हो जाएगा आपके पास, 275 degree Kelvin हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे करते 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 20 degree Celsius कर दिया तो कितना हो जाएगा आपके पास, 293 केल्विन हो जाएगा। ऐसे करते करते 25 degree Celsius कर दिया मैंने तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। इसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं जनरली, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर स्टैंडर्ड जो होता है ना उसको हम बोलते हैं, ये रूम टेम्परेचर कहते हैं। 20 या 25 को कुछ भी कह लीजिए, तो जनरली 25 वाला मैं मानकर चल रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर, तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो उस वाले को हम कहते हैं कि 298 केल्विन की बात करते हैं। जब भी हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तब कितने की बात करते हैं, 298 केल्विन की बात करते हैं। समझ में आती है ना बात। तो इनके बीच में मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं है खतरनाक वाला, सिंपल सा रिलेशन है, 0 degree 273 केल्विन। अब आपको अलग अलग इसमें कन्वर्जन देने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ इस तरह से कि बताइए अगर मेरे पास 100 degree Celsius है तो केल्विन में कितना होगा, कितना केल्विन होगा। तो आप क्या करेंगे, 273 में 100 degree Celsius ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 373, तो 373 केल्विन हो जाएगा। 373 केल्विन का मतलब हो गया 100 degree Celsius। अब समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छे से याद रखना है, जब डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, अच्छे से देखना है, तो डिग्री सेल्सियस के वैल्यू में आपको 273 ऐड कर देना है,
क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 50 डिग्री सेल्सियस है और उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 50 प्लस का 273 केल्विन करेंगे, ये जितना भी आएगा वो केल्विन में आ जाएगा आपके पास निकल कर। बताइए क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है, आगे की बात करते हैं। अब अगर मैंने ऐसा पूछा, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, पहले मान लीजिए मेरे पास है 298 केल्विन और मैंने आपसे पूछा बताइए कितना डिग्री सेल्सियस है, तभी यहाँ पे आपको बताया वो 25 डिग्री सेल्सियस, कैसे निकलेगा ये? अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस वाला अगर इसमें से मैं आपने लेस कर दिया, तो मतलब अगर आपने इसमें 273 केल्विन मतलब 273 लेस कर दिया, नंबर के यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 225 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप दूसरा लिखेंगे, जब आपके पास केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना होगा तब क्या करेंगे, तो केल्विन के वैल्यू में, तो केल्विन के वैल्यू में से 273 लेस कर देना होगा, लेस कर देना है, खत्म बात। तो इस तरह से आप कन्वर्जन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से आपके पास डिग्री सेल्सियस में। तो ये तो हुआ कि एक रिलेशन बताया मैंने आप लोगों को, एक रिलेशन बताया है। अब हम चलते हैं दूसरे रिलेशन के पास, जिसका हम रिलेशन देखने वाले हैं, डिग्री सेल्सियस का केल्विन के साथ देख लिया, अब मैं आपको डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट के साथ करवाना चाहता हूँ रिलेशन, समझिएगा, डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट के साथ रिलेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को अच्छे से समझना है, ऐसे ही नहीं, नोट्स बना लेना है साथ साथ में वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि डिग्री सेल्सियस का इसके साथ दिखा दिया मैंने, अब इसके साथ दिखाता हूँ। तो जो डिग्री फारेनहाइट होता है वो 9/5 और इंटू में डिग्री सेल्सियस और प्लस में 32 होता है। ये आपके पास इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को जरूर देखा होगा। ये डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में रिलेशन बताता है। टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आप लोगों को तीनों के बीच में रिलेशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइए। तो डिग्री फारेनहाइट और इसके बीच में जब रिलेशन की बात करते हैं, तो आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले जीरो लेता हूँ, है ना। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितना लेता हूँ मैं, जीरो डिग्री सेल्सियस अगर मैं लेता हूँ तो फारेनहाइट में कितना होता है वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जीरो रखा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये पूरा जीरो हो गया, तो जीरो डिग्री सेल्सियस किस तरह किसके इक्वल होता है फारेनहाइट के टर्म में, 32 बच गया, 32 डिग्री फारेनहाइट के इक्वल होता है। अब देखिए वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो था वो 273 केल्विन के इक्वल था, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 फारेनहाइट के इक्वल है। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके समझना, ठीक है ना। अच्छा अब वहाँ पे हम एक बढ़ा रहे थे, वहाँ पे 274 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं मैंने 10 डिग्री सेल्सियस ले लिया और यहाँ पे भी 10 बढ़ाकर 42 डिग्री फारेनहाइट कर दूँ, तो ऐसा आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्विस्ट है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल मैं फिर से उसका ले लेता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे रख देता हूँ। तो डिग्री फारेनहाइट जो है वो 9/5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे रख देंगे हम 25 और प्लस का 32, पहले इधर सॉल्व करेंगे, 5 9 5 45 और ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 5 और 2 7 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, 77 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। मतलब अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ तो 77 फारेनहाइट आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, क्लियर है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है आपके पास इन दोनों के बीच में रिलेशन, कभी ये देंगे तो आपसे ये पूछ लेंगे, कभी ये वाला देंगे तो ये पूछ लेंगे आपसे, तो घबराना नहीं है भाई, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गया आपके पास इनके बीच में रिलेशन, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन। अब बात आती है कि यार एक बार तीनों के बीच में रिलेशन बता दीजिए सर, ताकि मजा सा आ जाए। तो आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन, इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। एक देंगे दूसरा पूछ लेंगे। अच्छा नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, तीनों के बीच में रिलेशन आता है। देखिए अब प्रॉब्लम कब आती है पता है, तब आता है जब मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में दिया और आपसे मैंने फारेनहाइट में पूछ लिया, तब भी आप बता दोगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं आपको केल्विन में दूंगा और फारेनहाइट में पूछ लूंगा, और फारेनहाइट में पूछ लूंगा, बताइए क्या होगा। केल्विन में मैंने दे दिया, लेट से 273 केल्विन ही दिया, मतलब वो डिग्री सेल्सियस जीरो है वो, तो आपने इनके बीच में बता दिया क्योंकि इनके बीच में रिलेशन पता था, अभी मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन जब ये दिया जाएगा तो फारेनहाइट में नहीं बता सकते, तो यहाँ से हम क्या करेंगे पता है, केल्विन को पहले 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे जाएंगे, 32 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन या फिर 32 डिग्री
फारेनहाइट, ऑल दीज टेम्परेचर्स आर सेम, ये तीनों के बीच में रिलेशन है। लेकिन इसको बढ़ाऊंगा, एक तो इससे एक तो बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे ये एक नहीं बढ़ेगा, यहाँ इक्वल तो लग रहा हूँ लेकिन यहाँ पे इसमें अलग ही चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब तीनों के बीच में एक रिलेशन बताता हूँ जहाँ पे ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और माइनस करना है जीरो, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लगाना है 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर रखना है आपको फारेनहाइट में, और माइनस करना है आपके पास कितना 32, और डिवाइडेड बाय में लिखना आपके पास 180 इज इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर रखना आपके पास केल्विन में, टेम्परेचर रखना है केल्विन में, माइनस करना आपके पास 273, और डिवाइडेड बाय में रखना आपको 100। ये आपके पास तीनों के बीच में रिलेशन है जिसका आप यूज़ करके बहुत ही अच्छे से डायरेक्टली बहुत ही जल्दी मिनिमम टाइम में आप वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मैंने केल्विन में दिया आपको कुछ भी टेम्परेचर, और आपसे पूछा कि मुझे आप किस में बता दीजिए, फारेनहाइट में बता दीजिए, तो आप इन दोनों को इक्वल में रखेंगे, ठीक है। और इसके जगह जितना दिया हुआ, लेट से 273 की बात करता हूँ, तो 273 में तो 32 आता है, तो ये फारेनहाइट में मान लीजिए कि निकालना है मुझे, है ना, ये डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर, और ये केल्विन का टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय में 180, यहाँ 273 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये और जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर इन फारेनहाइट माइनस का 32 और इक्वल टू में ये उधर जाएगा जीरो, ये उधर जाएगा तो 32 आ गया, तो टेम्परेचर इन फारेनहाइट कितना आ गया बस 32 डिग्री आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को नोटिस करें, तो अब यही तो बताया कि जब 273 केल्विन होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, तो जब मैंने टेम्परेचर केल्विन में 273 केल्विन लिया तो फारेनहाइट में कितना आना चाहिए, ऑफकोर्स 32 डिग्री फारेनहाइट आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यहाँ से तीनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन पता चलता है। आप कैसे भी कर लीजिए, किसी भी दो को आप इक्वल रख दीजिए, उनके बीच में आपके पास रिलेशन आ जाएगा। मान लीजिए ये पूछा तो इसके बीच में लाना है, तो इनको ये रिलेशन ले लीजिए, ये दिया इनके बीच में रिलेशन, तो ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ से आपको जो चीज़ें हैं वो सिंपली पता चल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ को आप नोटिस करें, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ आपके पास, अगर मैं इक्वल रखता हूँ तो आपको सिंपल पता चलेगा कि क्या होने वाला है, टी के माइनस का 273 डिवाइडेड बाय में 100, 100 से 100 को उड़ा दीजिए नीचे से नीचे, ऊपर ये जीरो हटा दीजिए, तो यार डिग्री सेल्सियस में ऐसे ही तो लाते थे 273 माइनस करके, अभी तो लिखाया था कि अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन वाले टेम्परेचर में से क्या कीजिएगा 273 लेस कर दीजिएगा, देखिए रिलेशन आ गया ना। तो सिंपल है, चीज़ों को अगर आप समझते हैं ना तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास सिंपल हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब जो आपके पास मैंने टेम्परेचर के बारे में ठीक ठाक चीज़ें आप लोगों को बता दिया आपकी क्लास के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आपने आगे चल के अगर साइंस ली है तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाले हैं आपके पास, ठीक है ना। चलिए अब बात आते हैं हमारे पास कि हीट, हीट के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आइए हीट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ। तो हीट होता क्या है, देखिए हीट जो है वो एक एनर्जी है, एनर्जी है, हीट के आपके पास एक एनर्जी है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, हीट के आपके पास एक एनर्जी है जो कि आपको तभी पता चलेगा, है ना, आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, अगर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है ना तब आपको हीट के बारे में पता चलेगा, वरना हीट के बारे में पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास एक चाय है, यहाँ पे चाय लिख दिया हमने, चाय टी है ना, जो कि ठंडी है, ठंडी है, इसको गर्म नहीं किया गया है, और इसका टेम्परेचर हम अज्यूम कर लेते हैं अभी रूम टेम्परेचर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आपके पास फिर से मैंने चाय लिया दूसरे कप में, और ये आपके पास गर्म है, क्या ये गर्म है, हीट किया हुआ गर्म है, और इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं आपके पास रूम टेम्परेचर से भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमने मान लिया इसका जो टेम्परेचर हो 60 डिग्री सेल्सियस है। अब चीज़ों को देखेगा यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है या नहीं, उस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए, और यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हीट है, ये वाला क्या है आपके पास गर्म है, क्या आपके पास एक गर्म है, चीज़ों को समझ में आ रहा है ना, चीज़ें समझ में आ रही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको जहाँ पे भी देखने को मिलेगा वहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। अभी बात करेंगे, फ्लो जो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है,
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, जो फ्लो होता है ना हमेशा हायर टू लोअर होता है। इसका एग्जांपल आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अभी ठंड का दिन है इसलिए अभी 10 डिग्री सेल्सियस मान रहा हूँ। मैंने गरम गरम चाय लाया और अपने यहाँ पे हाथ पे रखा, मैं पी नहीं रहा हूँ, आराम से हाथ पे रखा हुआ या फिर कप में चुपचाप पकड़ा हुआ हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो चाय गर्म थी वो ठंडी हो चुकी है ना, जो चाय गर्म थी वो ठंडी हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर एक हीट था, गर्मी थी, बोले तो टेम्परेचर ज़्यादा था, तो वहाँ पे टेम्परेचर का फ्लो हुआ किधर से किधर हो भैया, गर्म से ठंडे की ओर, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और धीरे 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 एक टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलेगा, 15-20 मिनट के बाद ही आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि पास का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो था, इसका टेम्परेचर चाय का बहुत ज़्यादा हाई था, हाई टू लो गया, टेम्परेचर सारा मैनेज हो गया। अब पूरे का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो 10 है, 10.01, 10.02, कुछ और भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, अब यहाँ का जो टेम्परेचर है, जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उतना ही आपके पास जो कप था आपके पास उसका भी टेम्परेचर होने वाला है, वहाँ पे आपके पास वो भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब चीज़ों को समझना, यहाँ पे हीट जो है उसको हम जनरली कैपिटल क्यू नहीं तो स्मॉल क्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू नहीं तो स्मॉल क्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आगे की बात करते हैं हम, तो हीट जो है आपके पास अगेन स्केलर क्वांटिटी है, वो हमने आपको बता ही दिया हुआ है। उसके बाद जब हम इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट जो इसका होता है वो होता है आपके पास जूल्स। तो इसको कैपिटल जे से जनरली हम रिलीज क्या कहते हैं इसको डिनोट करते हैं, है ना। ये भी आपके पास एक फिजिसिस्ट के नाम से नाम पे ही रखा हुआ है जूल। तो जैसे कि लॉर्ड केल्विन थे उसी तरीके से उनके जिनका नाम मुझे याद नहीं है तो उनके लास्ट में भी सरनेम में जूल था, तो उनके हिसाब से उनके ऊपर इनका जो ऐसा यूनिट है वो रख दिया गया है। अच्छा, जूल और इसके एक सीजीएस यूनिट भी होती है जूल की एनर्जी की, बेसिकली वो होती है आपके पास अर्क्स, अर्क्स होती है। और इनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन है कि जो 1 जूल होता है वो 10^7 अर्क्स होता है। तो ये छोटी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही, खैर अभी तो मैंने वीडियो बनाया नहीं है बट आप लोगों ने आई होप कि पढ़ लिया होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा ही याद रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये रिलेशन आपको बता दिया। उसके बाद जो जनरल लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं जूल के साथ साथ कैलरीज का बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि ये आपको बस एनर्जी को ही मेज़र करने के लिए आप यूज़ करते हैं जनरली, कितनी कैलरीज आपने बर्न करी है ना, क्योंकि हीट एनर्जी को आपने लॉस किया है। देखिए यहाँ पर कैलरीज का मतलब अब आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा होगा कि आपने एक्सरसाइज किया तो बॉडी में कोलिजन हुए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आया ना आपकी बॉडी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपके पास वहां से हीट एनर्जी रिलीज हुआ तो कितनी कैलोरीज बर्न हुआ, यस तो कितनी कैलोरीज बर्न हुआ, तो कैलोरी है ना, कैलोरी जिसको बोलते हैं ऐसे लिखते हैं, ये भी आपके पास इसकी एक अनदर यूनिट है जिसकी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। किलो कैलोरी बोल दीजिएगा तो 1000 कैलोरी हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये कुछ अलग नहीं है, मतलब 50 यूनिट बना लीजिए, किलो लगा दीजिए, मेगा लगा दीजिए, है ना, गीगा लगा दीजिए, माइक्रो लगा दीजिए, मिली लगा दीजिए, दुनिया भर के लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी वाली चीज़ नहीं है। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कैलोरी, तो 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी वो जनरली 4.184 जूल के इक्वल होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जो जूल है वो छोटी यूनिट है और जो कैलोरीज है वो 4 गुना 4.2 टाइम्स लगभग बड़ी यूनिट है। तो कैलोरी बड़ी यूनिट होती है और जूल जो होती है वो आपके पास छोटी यूनिट होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो ये जो कहानी है वो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैलोरी हो गया आपके पास, किलो कैलोरी करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कैलोरी के बारे में भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि हीट एनर्जी का क्या सिस्टम है। तो इस तरह से बेसिकली हम यहाँ पे काम करते हैं और इस तरह से हमारा जो सारा शेड्यूल है वो चलता है हीट और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड और मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ जिसका नाम है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, ऐसा भी सिर्फ समझ लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है, जीरो कंडीशन पे है, ठीक है ना। अच्छा, थर्मल का मतलब हीट होता है, तो हीट एनर्जी से रिलेटेड होगा आपके पास। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
एक आइसोलेटेड बॉक्स बना दीजिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है इसमें से ना ही हीट एनर्जी कम होगी, ना अंदर से बाहर जाएगी, ना ही बाहर से अंदर आएगी। मतलब एनर्जी ना अंदर से बाहर जा सकती, ना ही बाहर से आपके पास अंदर आ सकती है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो कप रख देंगे इस तरह से। इस तरह से हम क्या करेंगे, आपके पास दो कप रख देंगे। एक कप यहाँ पर रख दिया और एक और कप बिल्कुल ऐसा ही आइडेंटिकल सा हम यहाँ पे रख देंगे कप, दूसरा वाला कप, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एक और कप रख दिया और दोनों में मान लीजिए टेम्परेचर कुछ भी रखा हुआ है, चाय कॉफ़ी कुछ भी रख दीजिए, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस है और इस वाले का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि यार 60 डिग्री सेल्सियस है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है क्या। मैं आपसे बस ये कह चुका हूँ कि बाहर का अंदर नहीं जा रहा, अंदर से कुछ बाहर नहीं आ रहा, हमने इस वाले वॉल को एडियाबैटिक बना दिया है। एडियाबैटिक वो वाले वॉल होते हैं जो हीट एनर्जी को ना ही अंदर से बाहर जाने देते, ना ही बाहर से अंदर आने देते, है ना। जो जनरली आपने थर्मस वाली कहानी देखी होगी कि गर्म रखने के लिए चाय का, उसको हम चाय को गर्म रखने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, तो सेम वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन इसके लिए अंदर हमने दो ऐसे बॉडी रखे हैं, सिस्टम रखे हैं, जिसका टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है। एक का 40 है, एक का 60 है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आफ्टर सम टाइम आपको पता है कि टेम्परेचर का जो फ्लो है, एनर्जी का जो फ्लो है, हीट का जो फ्लो है, वो हमेशा हायर टू लोअर होता है। तो हीट का फ्लो इधर से इधर आएगा और यहाँ से इसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। कब तक ट्रांसफर होगा, तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक जो आपके पास ये जो है आपके पास हीट का फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उसके बाद हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 40 और 60 100 हो जाएगा, 40 60 100 और कितने बॉडी थे, दो, एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, 100 हो गया, दो डिवाइड कीजिए 50। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे दोनों बॉडी का टेम्परेचर 50-50 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, जी हाँ, जिस टाइम पे दोनों बॉडी का टेम्परेचर 50-50 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, उस वाले पॉइंट को, उस वाले स्टेट को बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। बताइए हीट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट जो आपको ईजिली समझ में आया या फिर नहीं, समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और तो खैर क्या ही, बाकी सारे कुछ आप तो करते रहते हो, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कमेंट करके बताते रहिएगा कैसा लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा है, कब कैसा किस चैप्टर को, मतलब आगे आपको चाहिए उनके वीडियोस, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। और चलिए प्रैक्टिस तो नहीं छोड़ना, आपको पहले बता दिया, नोट्स साथ साथ में बनाते जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।